चैनल तेजस स्पेशल कॉमर्स क्लासेस बाय शिवानी। टुडेज टॉपिक इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आज हमारा ऑपरेशन रिसर्च का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व्स जनरली द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। It is a predetermined process which includes the use of human resources, raw materials, machine, etc. Production planning control एक predetermined process होता है जिसके अंदर हम include करते हैं अपने human resource, raw materials और machines को। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि production planning एक ऐसी production planning control एक ऐसी technique है जिसके अंदर हम plan किया जाता है कि हर एक स्टेप को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो ऑपरेशन को फॉलो करने वाले हैं ये किस तरीके से फॉलो करें उसके लिए जो राइट डिसीजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें कुछ अपने लेवल पर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। पहले हम प्रोडक्शन से रिलेटेड करते हैं, फिर हम प्री डिटरमाइंड कुछ प्लानिंग करते हैं, फिर हम कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशंस पर जो हम अपने डिसीजंस को फॉलो अप कराते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को हम शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं। मींस अगर बात की जाए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो हमें कब करना है, कैसे उस प्रोडक्शन को हमें फॉलो करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, ताकि हम सारे अपनी डिसीजन मेकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि हम अपने गोल्स या मोटिव को अचीव कर सकें। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो लास्ट में ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी यूज्ड एज नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को हम नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। किसका? प्रोडक्शन सिस्टम का। और प्रोडक्शन सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? हार्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। यानी कि प्रोडक्शन ऑपरेशन रिसर्च का हार्ट बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का शॉर्ट इंट्रो। इसी में हमें क्या करना होता है कि प्लानिंग प्रोडक्शन से पहले करनी होती है जिसमें हमें अपने 5M को ध्यान रखना होता है। 5M पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है जो कि है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी। इन 5M पर या इन 5M's पर हमें पूरा ध्यान रखकर एक पूरे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल कराना होता है। ये पूरा प्रोसीजर कहलाया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इट इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एन एंटरप्राइजेस। हम ये बोल सकते हैं कि पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एंटरप्राइजेस में मेन इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो पहले हमें उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी होती है। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हम प्रोडक्शन के जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमारा क्या टाइम रहेगा, क्या रॉ मटेरियल रहेगा, कितना रेशियो रहेगा, और हम कैसे कंट्रोल करें रिस्क को, कैसे कंट्रोल करें अपने जो बिजनेस में आने वाले लॉस को। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज ए प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एंटरप्राइजेस। सेकंड देखते हैं, इट हैज टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस टू अचीव द गोल। ये हमारी हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में, सही टाइम पर और सही जगह पर, ताकि क्या कर सके हम अपने गोल को अचीव कर सके, अपने मोटिव को अचीव कर सके। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल हमारे बहुत सारे डिसीजन में अगर हम सही टाइम पर कोई सही डिसीजन लें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग ही पहले से अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, हम डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रखेंगे, ऑपरेशंस को अच्छे से नहीं यूज करेंगे, मेथड्स गुड नहीं होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मेथड फेल हो जाता है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइट डिसीजन में, राइट टाइम पर हमें क्या डिसीजन लेना है और
सही जगह पर क्या डिसीजन लेना है, आफ्टर दैट हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स लाइक मटेरियल, मैन, मशीन्स आर एफिशिएंटली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि ये क्या करता है, मेंटेनिंग करता है एफिशिएंसी, मतलब कि हम क्या करें कि जो भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं जैसे मटेरियल, लेबर, मशीन, इनको इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करें, मेंटेन करें ताकि इनकी एफिशिएंसी क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये सब जो मैंने अभी बताया है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 5M पर डिपेंड होता है, ये 5M पर ही फोकस करता है। तो ये ध्यान रखता है कि इसको इतने एफिशिएंटली तरीके से यूज किया जाए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो सके। लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग डिसाइड द ऑपरेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्लानिंग ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हमारे प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर है, किसकी हमें जरूरत है। व्हाइल प्रोडक्शन कंट्रोल रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन कंट्रोल क्या करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कि ऑपरेशंस के लिए किस किस चीज की जरूरत है और उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से उनका चयन किया जाए, उनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए, ये सब कहलाया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंस लिए हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। जो हमारी प्रोडक्शन की प्लानिंग है और प्रोडक्शन का कंट्रोल है, इन दोनों में कैसे डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि दैट इज सिमिलर मीनिंग, इनका सबका दोनों का सिमिलर मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस होता है। पीपी मीन्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन प्लानिंग। पीसी मीन्स प्रोडक्शन कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज डन बिफोर प्रोडक्शन, इट इज डन आफ्टर प्रोडक्शन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, इट इज बिफोर प्रोडक्शन, ये हमारे प्रोडक्शन से पहले की जाती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्शन, मतलब किस को क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके डिमांड सप्लाई से रिलेटेड डिसीजन, ये सब डिसीजन, ये सब प्लानिंग हम कब करते हैं, प्रोडक्शन से पहले। लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल की अगर बात करें, ये प्रोडक्शन बनने के बाद हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन प्रोडक्शन के बाद में लिए जाते हैं। बाद में कैसे लिए जाते हैं, सपोज हमने क्या करा, एक कुछ कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो हमने मशीन ए में वो प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो प्रोडक्ट हमारा चल रहा है मशीन ए में। सेकंड हम डिसाइड करेंगे मशीन ए में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, 2 आवर। सेकंड मशीन बी में जाएगा वो प्रोसेस, फिर 3 में जाएगा, फिर वो कंप्लीट होते होते वो कंप्लीट होगा। तो ये सब कंट्रोल करता है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जितने टाइम में हमने सोचा था उतने में ही होना चाहिए। कंट्रोल रिलेटेड डिसीजन सब क्या कहलाए जाते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल, और ये प्रोडक्शन के बाद में लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन मेथड्स इज प्लान। यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच सेलिंग मेथड्स इज प्लान। यहाँ पे प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट से रिलेटेड मेथड्स देखते हैं कि हमें कौन से मेथड अप्लाई करने हैं, और प्रोडक्शन जब हमारा हो जाता है उससे रिलेटेड सेलिंग के कौन कौन से मेथड्स को हम अप्लाई करें, ये कहलाया जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल। इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, कभी भी किसी भी बिजनेस में प्लानिंग क्या होती है, हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम उसमें कुछ नया करने के लिए, अपने गोल्स को और अच्छे से अचीव करने के लिए, प्रॉफिट को गेन करने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लेकिन कंट्रोल हमारे प्रोडक्शन को हो जाने के बाद हम उसमें ध्यान रखेंगे क्या लेबर रहेगी, क्या रहेगा, उससे रिलेटेड डिसीजन शॉर्ट टर्म लिए जाते हैं कंट्रोल से रिलेटेड। तो ये एक था माइनस डिफरेंस हमारा, क्योंकि कुछ बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल सिमिलर है। तो हमने इन सब पॉइंट से समझा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ पीपीसी। फंक्शंस हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा पीपीसी का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिमांड के अकॉर्डिंग
अपनी सप्लाई से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि हमारी डिमांड कितनी आ रही है और हम अपनी सप्लाई अपने प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाएं। ये सब डिसीजन, ये सब फोरकास्ट करते हैं हम अपने सेल्स फोरकास्टिंग में। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि रॉ मटेरियल कितना परचेज करें, क्या हमारी क्वांटिटी हो, कितना लेबर को कितने लेबर्स को हमें इसमें लगाना चाहिए। ये सब चीज क्या होती है, सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग में हम ध्यान रखते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे प्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्ट की कोई भी डिमांड कम हो जाती है तो हमारे जो सेल है उसमें भी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये तो हम यहाँ पे पहले ही क्या करते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले ही अनुमान लगा लेते हैं सेल्स से रिलेटेड कि हमें कितनी डिमांड आई है और हमें उन्हें कितनी सप्लाई देनी है और हम किस फॉर्म्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में क्या होगा, हम इसमें क्या करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है हमारा उसे सही तरीके से चलाने के लिए हम प्लांट का लेआउट करते हैं, ध्यान रखते हैं वहां पर हम अपनी सेफ्टी की, वहां पर हम देखभाल, सुरक्षा, इन सब की व्यवस्था करते हैं। प्लांट लेआउट में क्या करते हैं, अगर मतलब कुछ भी न्यू टूल्स की हमें जरूरत होती है तो हम वो भी अवेलेबल कराते हैं अपने प्रोडक्शन में। यानी कि प्लांट लेआउट कराने के मेन फोकस ये रहता है कि वहां पर हमारी सेफ्टी भी रहे, देखभाल को भी ध्यान रखते हैं, और कोई न्यू टूल्स, बाहर से कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू टूल्स की जरूरत होती है तो वो सब प्लांट लेआउट में हम करते हैं। थर्ड है हमारा इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज प्रॉफिट की बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी चीज से रिलेटेड पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम अपने प्रोडक्शन में मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। फिर वहां पर जो रिस्क होता है या हमारा टाइम मैनेजमेंट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, क्यों लिए जाते हैं ये डिसीजन, ताकि क्या हो, हम अपने गोल को अचीव कर सके, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। तो ये एक था फंक्शन पीपीसी का ही फंक्शन कि इंक्रीज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को भी इंक्रीज कराने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्स के अकॉर्डिंग पहले प्री प्लान करते हैं और टोटल क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास अगर कोई पुराना स्टॉक है, डिटरमाइन करते हैं अगर कोई पुराना स्टॉक है तो वो कैसे यूज किया जाए, पहले हमें क्या करना है, ये सब डिटरमाइन किया जाता है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन मैथड। प्रोडक्शन मैथड की अगर बात करें तो प्रोडक्शन मैथड में आ जाता है कि हमें कौन से ऑपरेशन को यूज करना है, किन तरीकों से काम को करना है, जिससे कि हमारे क्या हो, हमारे प्रोडक्शन को सही तरीके से किया जाए, या किसी भी प्रोडक्शन को करने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक हमारे पूरे प्रोसेस को डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट हमने यहाँ कुछ स्टेप्स और स्टेजेस दी गई है पीपीसी की, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, हम कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रूटिंग। रूटिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर रूटिंग